The question is find the general solution and principal solution of the given equation which is cortex is equal to minus square root of 3 So let's see how we are going to solve the given problem. to चलिए shuru karte hain तो first of all तो मैं question के data को एक बार note कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि question का data आपको given है. Cortex is equal to minus square root of three के. और question में ये पूछा गया है कि आपको given equation का general और एज वेल एज प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो एनसीआर को अगर मैं बात करूं तो एनसीआर में अगर वो प्रिंसिपल की डिमांड कर रहा है इट मीन आपसे पूछा गया है कि आपको x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जो जीरो और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करें मतलब x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो बट लेस इक्वल टू टू पाई तो इस इंटरवल में x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिनके कॉट की वैल्यू माइनस के बराबर होगी सो दिस इज द बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन है ना ये आपके पास प्रिंसिपल सोल्यूशन है और एक और स्टेटमेंट उसने दिया है कि फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है कि X को अब आपको वो सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जिनके कॉट की वैल्यू माइनस रूट थ्री के बराबर आएगी तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जनरल सोल्यूशन निकालूंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन को भी फाइंड आउट कर लेंगे चलिए आगे बात करें अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, है तो सबसे पहले आपको इसे लिखना पड़ेगा टेन एक्स इज इकल टू टेंजेंट ऑफ एल्फा वेयर टेंजेंट ऑफ एल्फा बेसिकली के बराबर होता है तो ये एल्फा आपको इजिली मिल जाएगा थोड़ा सा अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे या थोड़ा सा मेमोरी को यूज करेंगे तो इजीली पता लग जाता है कि किस टेंजेंट की वैल्यू के, के बराबर आएगी और अगर आपके पास ये फॉर्मेट है तो इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज योर एन पाई प्लस एल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर यहां पे आपको केयरफुल रहना है कि माइनस का साइन नहीं आता है द सॉल्यूशन इज एक्स इज योर पाई प्लस वेयर बिलोंग्स टू इंटीजर पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ कॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ टेन तो ठीक है हम लोग पहले इसे टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, 3, तो अगले में मैं इसे लिख k, है अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो माइनस वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू है ये आपको बिटवीन कब मिलती है तो मैं आपको बता देता हूं कि इनकेस अगर एक्स आपका फाइव पाई बाई सिक्स है मतलब दैट इज 150 degree, तो तो की value minus के बराबर आएगी। यानी कि 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 अगले step में आप इसे लिख सकते हैं तो जैसा मैं बता रहा था हमारा पहला है एल्फा को पता करना, तो एल्फा मैंने कैलकुलेट कर लिया है एल्फा मेरा है, है चलिए अब हम लोग क्लेम करते हैं इसी क्वेश्चन के जनरल सोल्यूशन जनरल मतलब एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जिनकी टेन की वैल्यू आपको

जैसा कि आप जानते हैं कि एन आपके पास एक इंटीजर है तो सबसे पहले आप एन को सबमिट करिए जीरो अगर आप एन को जीरो सबमिट करेंगे तो एक्स आपको फाइंड आउट होगा 6, और इनकेस अगर आप एन को सबमिट करेंगे तो ये आपको मिलने जा रहा है एक्स इज योर पाइव प्लस फाइव पाई बाई सिक्स या फिर आप इसे लिख सकते हैं इलेवन पाई बाई सिक्स के और इनकेस अगर आप एन की जगह टू सबमिट करेंगे तो ये जो एंगल है जो एक्स की वैल्यू है वो टू पाई को क्रॉस कर जाएगी जो कि प्रिंसिपल में काउंटेड नहीं है तो अगर वो केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डिमांड करे तो एक सॉल्यूशन आ रहा है फाइव पाई बाई सिक्स और अगला सॉल्यूशन हमें मिल रहा है इलेवन पाई बाई सिक्स के और इनके से अगर आपको जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है देन दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिविंग इक्वेशन